हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। डिप्रेशन के बारे में मैं डिटेल से बात करता आ रहा हूँ। प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये डिस्कस किया है कि डिप्रेशन क्या है, डिप्रेशन के डिफरेंट क्या साइंस और सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं, और डिप्रेशन किस वजह से होता है, डिफरेंट उसकी क्या मेन कॉजेज़ हो सकती हैं जो कि आपके डिप्रेशन की वजह बन रही होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डिप्रेशन अगर आपको फॉर एग्जांपल हो गया है तो उसके कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। लेकिन ऑब्वियसली ट्रीटमेंट ऑप्शंस को जानने से पहले मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि काइंडली आप पहले डिप्रेशन के बारे में जान लें कि डिप्रेशन क्या है, उसके क्या साइंस और सिम्टम्स हैं और किस वजह से हो रहा है, ताकि आप लोगों को एक कम्प्लीट इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो सके। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर डिप्रेशन के डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस की बात की जाए तो उनमें आपके काउंसलिंग सेशन आ जाते हैं, जो कि जिसको साइकोथेरापी भी बोला जाता है, जो कि आपका साइकेट्रिक जो है वो आपकी हेल्प करता है कि आपने डिप्रेशन से किस तरह निकलना है। देन आपकी कुछ मेडिकेशंस आ जाती हैं, इसके अलावा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी भी उसमें आ जाता है ट्रीटमेंट ऑप्शंस में, और एट द एंड आपकी कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ और सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल हैं जो कि आपको मूड को अच्छा करने और डिप्रेशन से निकलने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो आज इन ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं, तो काइंडली आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सो द नंबर वन इज साइकोथेरापी, जिसको डिफरेंट काउंसलिंग सेशंस भी बोला जाता है। इन काउंसलिंग सेशंस में आपका जो थेरापिस्ट होता है या साइकियाट्रिक होता है वो आपकी हेल्प करता है कि किस तरह से आपने नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिव थॉट्स। वो आपको तैयार करता है कि आपने इस नेगेटिविटी को जो है ओवरकम करना है और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन निकालना है जो कि आपकी लाइफ के अंदर आपकी डिप्रेशन की वजह बन रही होती हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है तो उसको हल करने में आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं वो, और आपको दूसरों के साथ पॉजिटिवली इंटरेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। अब इसके अंदर डिफरेंट मेडिकल टर्म्स भी आ जाती हैं जिनमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरापी शामिल है। इन सेशंस के अंदर ये होता है कि आपका जो थेरापिस्ट है वो आइडेंटिफाई करता है कि आपकी जो रूट कॉज क्या है आपकी नेगेटिव थॉट्स की, तो उनको आपकी हेल्प करता है, आपको होमवर्क इस तरह से देता है कि आपने उन नेगेटिव थॉट्स को कन्वर्ट करना है इनटू पॉजिटिव थॉट्स। देन आपकी डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरापी आ जाती है, जिसके अंदर आपका थेरापिस्ट आपकी हेल्प करता है कि जो भी मिसहैप आपकी लाइफ के अंदर होना था वो हो गया है, आपको आइडेंटिफाई करवाता है कि जी ये आपके अंदर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम है जो कि अवेल ठीक है मौजूद है, अब हमने इस तरह किस तरह से ओवरकम करना है। फॉर एग्जांपल आप एग्जाम्स में फेल हो गए हैं तो वो आपकी हेल्प करता है कि आपने अब किस तरह से अपने आपको तैयार करना है कि आप इस प्रॉब्लम से निकल सकें। और थर्ड नंबर पर आपकी साइकोलॉजिकल थेरापी या साइकोडायनामिक थेरापी शामिल है, जिसके अंदर आपके जो प्रेजेंट सिचुएशन होती है उसको लिंक किया जाता है आपके पास के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपके डिप्रेशन की वजह आपका चाइल्डहुड अब्यूज़ है, या बचपन में आपके साथ जो ज्यादतियाँ हुई हैं, अगर या फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स ने आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रखा था, तो अगर आपका जो डिप्रेशन है वो इस चीज़ के साथ लिंक है तो ऑब्वियसली आपका जो थेरापिस्ट होगा वो आपको हेल्प करेगा कि आपने उसमें से किस तरह निकलना है। तो सो जो नंबर वन ऑप्शन है वो यही होता है कि आप काउंसलिंग सेशंस की तरफ जाएं अलॉन्ग विद मेडिकेशंस, ताकि आपको इनसे इस प्रॉब्लम से आप बआसानी निकल सकें। सो द सेकेंड ट्रीटमेंट ऑप्शन जो कि अवेलेबल है वो आपके मेडिसिन ग्रुप्स हैं, जिनमें आपके सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स और आपके एनमिथाइल डीएसपार्टेट एंटेगोनिस्ट। ये ऐसे मेडिसिन ग्रुप्स हैं जो कि आपकी एंटी डिप्रेशन एक्टिविटी में काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। बेसिकली इन मेडिसिन ग्रुप्स का ये काम होता है कि इन्होंने आपके उन न्यूरो ट्रांसमीटर्स की कमी को पूरा करना होता है ब्रेन के अंदर जो कि आपकी डिप्रेशन की वजह बन रहे होते हैं। इन मेडिसिन के सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स में भी शामिल हैं जिनमें आपकी एक तो फिजिकल डिपेंडेंसी शामिल है, जिसमें आपकी बॉडी जो है वो आपकी इन मेडिसिन का पे डिपेंड करने लग जाती है। तो ऑब्वियसली जब आप इनको छोड़ते हैं, फौरन छोड़ते हैं बगैर किसी डोजेज चेंजेस के, तो ऑब्वियसली आपको इनके डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जो इसका सेकेंड मेन साइड इफ़ेक्ट है वो है आपकी सुसाइड अटैम्प्ट, क्योंकि जो भी एंटी डिप्रेसर मेडिसिन के ऊपर पेशेंट्स होते हैं उनके बारे में ये ख्याल रखा जाता है कि वो आपकी किसी भी तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी ना करें जो कि आप उनकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। इसलिए क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मेडिसिन हैं तो काइंडली आप इनके बारे में ये ख्याल रखें कि आप इनको खुद से इस्तेमाल ना करें और लॉन्गर टर्म में इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपको इनके जो है वो डिफरेंट साइड इफ़ेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है।
केस ऑफ सीवियर डिप्रेशन जिसको आप मेडिसिंस या काउंसलिंग सेशंस के थ्रू ट्रीट नहीं कर पा रहे होते, तो उस केस के अंदर आपको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरापी का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर आपके मेडिकल प्रोफेशनल्स जो हैं वो आपको एनेस्थीसिया की डोज देते हैं, जिसमें आप 5 से 10 मिनट्स के लिए सो जाते हैं, और इस दौरान आपको ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके ब्रेन को, जो कि आपके ब्रेन में ऐसे चेंजेस लेके आते हैं जो कि आपको डिप्रेशन के प्रोसेस से निकालने में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं, और इस दौरान आपकी कार्डिक और हेड की मॉनिटरिंग प्रॉपर हो रही होती है ब्रेन की, ताकि आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। इस प्रोसीजर में कुछ आपको साइड इफेक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें आपको नौजिया की फीलिंग आएंगी या आपकी मेमोरी प्रॉब्लम्स या डिसओरिएंटेशन वगैरह शामिल हैं, लेकिन ये ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो कि फॉर द टाइमिंग होते हैं, और ऑब्वियसली आपको एट द एंड इनसे भी ये भी ख़त्म हो जाते हैं, और आपको डिप्रेशन में के साथ हेल्प ट्रीट करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस जिसके अंदर आपकी मेडिटेशन, जो कि आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी और एंगर जैसी सिचुएशंस को से निकलने में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, उनको भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर, जिसके अंदर आपको नीडल्स के थ्रू आपके डिफरेंट पार्ट्स को स्टिमुलेट किया जाता है, और वो भी आपके डिप्रेशन से निजात दिलाने में आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। एट द एंड आई विल डिस्कस सम होम रेमेडीज जो कि आपको डिप्रेशन से निकालने में काफ़ी हेल्प कर सकती हैं। तो उसमें जो नंबर वन है वो एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज करने से ना सिर्फ आपका मूड स्टेबलाइज होता है, बल्कि आपको फिजिकल एक्टिविटी डिफरेंट क्रॉनिक डिजीज़ से बचाने में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो मेडिकल प्रोफेशनल्स आपको रिकमेंड करते हैं कि आप 30 से 40 मिनट्स एक्सरसाइज डेली करें, ये आपको डिप्रेशन से निजात दिलाने में काफ़ी हेल्प कर सकती है। सेकेंड थिंग जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है आपने अल्कोहल या जो ऐसे एडिक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं उनसे बचना होता है, क्योंकि ये आप तो फॉर द टाइम बीइंग आपको जो है डिप्रेशन से निजात दिलाने में हेल्प करते हैं, लेकिन फॉर द लॉन्गर टर्म में ये आपको आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपके 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन वगैरह शामिल हैं, ये आपके मूड को स्टेबलाइज करने और आपके ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन लेवल्स को इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्प करते हैं, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपकी ब्रेन हेल्थ में काफ़ी बेनिफिशियल है, इसके अलावा आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी मेंटेन रखता है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर विटामिंस में देखा जाए तो विटामिन बी कम्प्लेक्स, जिसके अंदर B6 और B12 शामिल है, वो आपके ब्रेन की हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको नर्व डैमेज से बचाते हैं, तो आप इस कम्प्लेक्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी भी की कमी भी देखा गया है कि वो भी आपके डिप्रेशन के साथ किसी ना किसी तरह से एसोसिएट कर रही होती है, ख़ासतौर पे सीजनल जो डिप्रेशन होता है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में क्योंकि आपका सन के साथ एक्सपोजर नहीं होता है, तो जो है वो सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर का सामना भी कुछ लोगों को करना पड़ रहा होता है, तो उस सिचुएशन में आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेकर भी इन प्रॉब्लम से जान छुड़वा सकते हैं। सो दीज वर सम डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो कि आप डिप्रेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिली हो तो काइंडली इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा मेरे साथ कॉन्टैक्ट करने के लिए मैं आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, तो आप मेरे साथ कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे।